सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित विषय के पवन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों को यहां पे हल करा रहा हूं। और यहां पे पिछले क्लास में देखिए हमने प्रश्न संख्या 31 तक हल कर लिया था और यहाँ पे इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 32 से उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लघुत्तरीय प्रश्न के दो क्लास हुए हैं इससे पहले, और उससे पहले बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय पवन सीरीज का मैंने पढ़ा दिया है, और उससे पहले पूरा राजन सीरीज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, बहुविकल्पी अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न। और साथ ही साथ आपका सिलेबस मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, आपके लिए मास्टर क्लास चैनल पे अवेलेबल है। ये सभी वीडियोस आप सभी क्लासेस को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैथ के सामने के लिंक को क्लिक करिएगा, मैथ का प्लेलिस्ट खुल जाएगा, उसमें आपको ये सभी वीडियोस जो है वह लाइन से लगी हुई क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो जरूर आप देखिए सभी को और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। कम समय है आपके पास, तो आप मास्टर क्लास राजन पवन सीरीज देख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लीजिए, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ही आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो है वीडियो से जुड़ पाए, क्लास से जुड़ जाए और सभी लोग इस क्लास का लाभ उठा पाए। देखिए प्रश्न संख्या 32 है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है, यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब बता रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को अगर जोड़ लिया जाए, जिस अंकों से संख्या बनी है, जैसे यहाँ पे एक संख्या देख पा रहे हैं आप 45, तो ये 4 और 5 से बनी हुई है, तो 4 और 5 को जोड़ लेते हैं तो 9 आता है। तो यही बात यहाँ कह रहा कि अंकों का योगफल जो है वह 4 है, यदि दहाई के अंक से इकाई के अंक को घटा दिया जाता है तो शेष 2 बचता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम मान लेते हैं जो इकाई का अंक है वह x है और दहाई का जो अंक है वह y है, और बोला जा रहा है यहाँ पे कि संख्या के अंकों का जो योगफल है वह 4 है, तो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार अंकों का जो योगफल है x धन y बराबर 4। अब यहाँ पे एक बात और बोला कि दहाई के अंक से इकाई के अंक को अगर घटा दिया जाए तो शेष 2 बचता है, यानी कि y माइनस एक्स जो हो जाएगा वह 2 है। तो अब यहाँ पे ये दो समीकरण आपको मिल गए, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स धन वाई बराबर 2, और ये है एक्स धन वाई बराबर 4। तो अब इन दोनों समीकरणों को बस आप जोड़ लीजिए, एक्स धन वाई बराबर 4 और माइनस एक्स धन वाई बराबर 2, दोनों को जोड़ेंगे, एक्स और माइनस एक्स जोड़ेंगे 0 हो जाएंगे, और ये 2y और ये जुड़ जाएगा 4 और 2 6, 2y बराबर 6 और y बराबर 3, y बराबर 3 आ गया। अब x का मान निकाल लीजिए, x का मान कितना हो जाएगा, x धन 3 बराबर 4 पहले समीकरण में रख दीजिए, x का मान कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 1, y यहाँ पे x का मान आ गया 1। अब संख्या क्या हो जाएगा, संख्या देखिए 3 और 1, दहाई के स्थान पे 3 और इकाई के स्थान पे 1, यही संख्या हो जाएगा 31 जो हो जाएगा, यही संख्या हो जाएगा, और संख्या आपको निकालना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप संख्या निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, इन संख्याओं को बताइए। दो क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याओं का मतलब आप क्या समझते हैं, क्रम से आने वाली संख्या, जैसे 23 के बाद क्या आता है 24, तो 23 में जब हम एक जोड़ देते हैं, इसको 23 धन 1 भी तो लिख सकते हैं 24 को, तो इसी तरीके से यहाँ पे दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। मान लेते हैं पहली जो संख्या है x है, तो अगली क्या होगी, x धन 1 होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, यानी कि x धन 1 बराबर 21 के है, दोनों क्रमागत संख्याओं का योग 21 है। तो यहाँ पे अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x धन 1 बराबर 21, और 2x बराबर हो जाएगा 21 माइनस 1, जो कि 20 के बराबर होगा, और x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 20/2 यानी कि 10, x का मान 10 आ गया, मतलब पहली संख्या 10 मिल गई और दूसरी संख्या 10 धन 1 11 मिल जाएगी, यहाँ पे x धन 1 11। तो इस तरीके से ये आपका दोनों क्रमागत संख्याएं हमको मिल गई, 10 और 11 होंगी संख्याएं, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 34,
दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो क्रमागत संख्याएं मत कर लीजिएगा, दो क्रमागत विषम संख्याएं बोल रहा है। अब क्रमागत संख्याएं जैसे 23.24 हमने लिखा था, तो दो क्रमागत विषम संख्याएं मतलब पहली एक विषम संख्या पकड़िए, विषम संख्या जैसे 23 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसकी अगली विषम संख्या क्या पड़ेगी, जब 23 में हम दो जोड़ेंगे तब हमको अगली जो संख्या मिलेगी वह 25 होगी, अगली क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, इसी तरीके से 11 का क्या होगा, 13 होगा, 15 का क्या होगा, 17 होगा। तो ये होती है क्रमागत विषम संख्याएं। ठीक, अब तो पहली अगर संख्या हम मानते हैं x है तो दूसरी क्या होगी, x धन 2 होगी, यहां से आप समझ सकते हैं। और कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो योग है वह 40 के बराबर है, तो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे x धन ब्रैकेट में x धन 2 बराबर 40, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x धन 2 बराबर 40, 2x बराबर 40 माइनस 2 यानी कि 38, 2x बराबर 38 हो जाएगा, x बराबर 38 बटे 2 यानी कि x का मान कितना आ गया, 19, x का मान 19 आ गया, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x धन 2 21, तो क्रमागत संख्याएं कितनी आ गई, 19 और 21, जिनका योग कितना होता है 40। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 35, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। एक भिन्न है जिसका, जिस भिन्न का जो है भिन्न संख्या का हर 7 है, ठीक, और उसके अंश और हर में 3 जोड़ा जा रहा है और भिन्न का मान 4/5 हो जा रहा है। अब मान लेते हैं भिन्न का हर जब हमको 7 दे दिया है तो अंश हम मान लेते हैं एक्स है, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बटे 7। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इस भिन्न में अंश और हर में अगर 3 जोड़ दिया जाए यानी कि एक्स धन 3 और बटे 7 धन 3 कर दिया जाए तो इसका मान जो हो जा रहा है वह 4/5 हो जा रहा है, तो इसको बराबर दिखा दीजिए 4/5 के, अब जोड़िए तो ये हो जाएगा एक्स धन 3/10 बराबर 4/5। अब त्रियक गुणा कर लीजिए, 5 का गुणा हो जाएगा x धन 3 में, 10 का गुणा हो जाएगा 4 में, तो ये हो जाएगा 5 का गुणा x धन 3 में बराबर 4×10 तो 40, और ये हो जाएगा 5x धन 15 बराबर 40, और 5x बराबर 40 माइनस 15 यानी कि 25, 5x बराबर 25 हो गया, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब x का मान 5 आ गया तो हमको भिन्न मिल जाएगा कितना, 5/7, यही हमको निकालना था भिन्न का मान 5/7। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 36, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं, किसी संख्या में योगात्मक प्रतिलोम को अगर जोड़ दिया जाता है तो उन दोनों का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। किसी संख्या में उसके योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ने पे मान हमको शून्य मिलता है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x का जो मान हो जाएगा 1/2 को उधर भेजेंगे, ऋण 1/2 हो जाएगा, जो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम होगा वह 1/2 होगा, और ऋण 4/7, पहले तो इसी सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऋण से ऋण कट जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 4/7, और इसका ऋणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 4/7 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि मान शून्य हो जाए, तो x का मान आ जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम का मान आ जाएगा ऋण 4/7। अगर 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x जोड़ने पे मान शून्य हो जाना चाहिए, तो यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे, x का मान ऋण 4/7 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ऋण 1/2, ऋण 4/7। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पहला है 7/-16, दूसरा है 6/19। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको दी गई संख्या में अगर गुणा कर दें तो उसका मान 1 के बराबर हो जाए। अब मान लेते हैं 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम एक्स है, तो इसमें 17/-16 में x का गुणा करने के बाद मान जो हो जाना चाहिए 1 हो जाना चाहिए। अब x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 16 का गुणा होगा 1 में और 17 से भाग होगा, ऋण 16/17 यही आ जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम,
और इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम में बस संख्याएं पलट देनी होती हैं, कुछ नहीं करना होता है। ऋण 19/6, 6/19 है तो ऋण 6/19 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला है प्रश्न संख्या 38। 5/-9 = 13/9, तो 5/-9 को हम ऋण 5/9 भी लिख सकते हैं। माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, माइनस अंश में चला जाएगा। अब तो ऋण 5/9 = 13/9 हो जाएगा, हर समान है, तो ये हो जाएगा ऋण 5/13/9 और जुड़ेगा ऋण 5, तो ये हो जाएगा 8/9। वैल्यू कितनी आ गई? 8/9। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। निम्नांकित को जोड़िए, ऋण 4 में 4/7 को जोड़ेंगे। देखिए 4/7 एक जगह धनात्मक है, एक जगह ऋणात्मक है, जुड़ेगा कितना आ जाएगा? मान शून्य आ जाएगा। 3/5 को ऋण 3/5 में जोड़ना है, ये भी मान हो जाएगा शून्य। ठीक, दोनों का मान शून्य आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न संख्या 40 है। अनुपात को उदाहरण सहित समझाइए, तो दो समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है, तो ऐसे संबंध को अनुपात कहते हैं, जैसे 4/5। अब ये क्या दिखा रहा है? ये दो समान राशियां हैं जिनमें अनुपात दिखा रहा है, बोल रहा है कि प्रथम राशि जो है वह दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है। तो दूसरी राशि अगर 5 है तो पहली राशि जो है वह 4 है, यह इतना बता रहा है। ठीक है, अगर कोई राशि 5 है दूसरी राशि, तो पहली राशि 4 है, इससे यह पता चलता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। 221/289 को सरल अनुपात में बदलिए, तो देखिए सरल अनुपात में बदलने के लिए हम जितना मैक्सिमम कट सकता है उतना काट के सरलतम रूप में ले आते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे 221 जो है वह 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से चेक करेंगे 4 से नहीं, 5 से नहीं, तो देखेंगे कि ये दोनों किस संख्या से कट रहे हैं। तो देखा जाएगा 221 को लिख सकते हैं 13/17, और 289 आपको पता है 17 का वर्ग होता है, तो 17/17 लिख देंगे। अब देखिए 17 से 17 कट जाएगा और बच जाएगा 13/17, तो यही सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है, जब संख्याएं ऊपर नीचे किसी समान संख्या से विभाजित ना हो तब वो उसी रूप में रहेंगी। अब यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि ये 17 एक अभाज्य संख्या है और 13 भी एक अभाज्य संख्या है, ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और इन्हीं दोनों का यहाँ भिन्न रूप लिखा गया है, तो इसको अब लिख सकते हैं 13/17, ये सरलतम रूप हो जाएगा इस अनुपात। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित को सरलतम अनुपात में व्यक्त कीजिए, पहला है देखिए 15/25 को, तो 15/25 को सरलतम अनुपात में व्यक्त करने के लिए 5 से ऊपर नीचे काटेंगे, तो 15 हो जाएगा 3 और 25 तो हो जाएगा 5, तो इसको लिख देंगे 3/5, ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। और 90 पैसे और 3 रुपए को सरलतम रूप में लाना है, तो सबसे पहले अनुपात समान राशियों में लिया जाता है, यह आपको ज्ञात होना चाहिए, यह नियम होता है अनुपात का। तो सबसे पहले जब जहां पे जैसे मीटर सेंटीमीटर में अगर दिया है, पैसे रुपए में दिया है और लीटर और मीटर क्यूब में दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले राशियों को समान यूनिट में लाएंगे। अब 90 पैसे है तो 90 पैसे का अनुपात पैसे से ही होगा, 3 रुपए को अब पैसे में बदलेंगे, 100 से गुणा होगा तो हो जाएगा 300 पैसे, तो अनुपात लीजिए 90/300, यही अनुपात लेना है, यानी कि 90/300, 0 से 0 कट जाएगा, 9/30 बचेगा। अब 9/30 को ऊपर नीचे 3 से काटिए तो नीचे बचेगा 10, ऊपर बचेगा 3, ये बचा 3/10, जिसको लिख सकते हैं 3/10, इसका जो सरलतम अनुपात हो जाएगा
3:10 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 है, निम्न में से कौन सा अनुपात बड़ा है, 5:8 बड़ा है या 11:14 बड़ा है। ठीक, तो यह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हर समान करना होगा। हर समान कैसे करेंगे, लासा लेंगे 8 और 14 का, 8 और 14 का जो लासा आएगा वह आएगा 56। ठीक, 56 आएगा। अब देखिए 8 7 56 होता है, तो 7 का गुणा हो जाएगा इसमें ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 35, 7 का गुणा होगा तो 35/56 ये हो गया, और 11/14 में अब जब 56 होगा तो 4 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 44/56। अब देखिए ये आ रहा है 44/56 11/14 और 5/8 35/56। अब हर समान है, दोनों जगह 56 है, इसका अंश छोटा है और इसका अंश बड़ा है, तो जिसका अंश बड़ा वह अनुपात बड़ा, तो यहां से कह सकते हैं कि 44/56 जो है वह बड़ा है 35/56 से, तो 11/14 बड़ा होगा 5/8 से। इस तरीके से 11:14 ये बड़ा है 5:8 से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44, यदि 5:15 x और 105 समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये समानुपात में है तो इस तरीके से लिखे जाएंगे, देखिए 5:15 और समानुपाते जैसे लिखा हुआ है वैसे बस आप अनुपात और समानुपात लगाते जाइए, तो इस तरीके से चिन्ह लगा देंगे बस, 5:15 समानुपाते एक्स अनुपात 105। अब यहाँ पे क्या होता है, बाह्य पदों का जो गुणा होता है मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है, तो 5 × 105 बराबर होगा 15 × x। समानुपात का यह नियम होता है कि जहां भी समानुपात होगा वहां बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर होगा। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 15 उधर जाएगा, 5 × 105 के बटे में 15 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा 15, फिर 3 से काटेंगे ये तो 3 और 1 बचा है 15, 5 बार 35 बार में कट जाएगा, x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 35 आ जाएगी, यानी x का मान जब 35 होगा तभी ये समानुपात में होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45, क्या 12, 24, 24, 48 समानुपात में है, तो चेक कर लेते हैं। तो दो तरीके से चेक हो सकता है, चाहे इनको समानुपात में दिखा करके आप मध्य पदों को जो गुणा है वह बाह्य पदों के गुणा के बराबर दिखा दीजिए, या 12:24 ले लीजिए और 24:48 ले लीजिए, दोनों को ही सरल करेंगे तो 1:2 ये 48 है, और इसको भी सरल करेंगे तो 1:2 मिलेगा, तो इस तरीके से ये समानुपात में है, दोनों अनुपात बराबर है। ठीक, अतः ये क्या होंगे, ये सभी समानुपात में होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 46 है, निम्न सजातीय पदों को जोड़िए। देखिए 5x में 7x जुड़ेगा आ जाएगा 12x, और 6xy 7xy और xy को जोड़ना है, 6xy 7xy हो जाएगा 13xy, और यहाँ xy है यानी कि 1xy है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 13 × 1xy 14xy, तो इस तरीके से वैल्यू कितनी आ गई, 14xy। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47, व्यंजक 4x² + 7x + 12 में से व्यंजक 2x² + 6x + 5 को घटाइए। तो इस तरीके से ऊपर इस व्यंजक को लिख लिया हमने, नीचे इसको, अब घटाएंगे जब तो चिन्ह जो है वह नीचे वाले व्यंजक के तीनों पदों के परिवर्तित होंगे, क्योंकि आप ऐसे भी घटाते अगर 4x² + 7x + 12, फिर माइनस जब घटाना होता है तो हम ब्रैकेट लगाते हैं 2x² + 6x + 5, तो इसमें भी जब ब्रैकेट खुलेगा तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, +2x² - 2x² हो जाएगा, +6x - 6x हो जाएगा, और +5 - 5 हो जाएगा। तो देखिए 4x² में से 2x² घटेगा तो बचेगा 2x², 7x में से 6x घट जाएगा तो x बचेगा, और 12 में से 5 घटेगा तो 7 बच जाएगा, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा घटाने के बाद रिजल्ट। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 है, समीकरण 7 × 5x = 15 × 3x को हल कीजिए। तो यहाँ पे इस समीकरण को
हमको हल करना है। देखिए 7x धन 5x बराबर 15 धन 3x, तो x को सबको एक तरफ लाएंगे और जो अंक हैं उसको एक तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 5x है और इधर ले आएंगे 3x को, ऋण 3x हो जाएगा, और 15 उधर है, 7 को उधर भेज देंगे तो ऋण 7। अब ये 2x बराबर 8 और x बराबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यही मान हमको निकालना था, x का जो मान आ जाएगा वह 4 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49, समीकरण 3n धन 4 बराबर 25 को हल कीजिए। अब हल करने का मतलब ये होता है जो वेरिएबल होता है उसका मान निकालना, जो चर होता है उसका मान निकालना। तो 3n धन 4 बराबर 25, अब यहाँ से 4 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3n 25 माइनस 4, और 3n बराबर क्या लिख सकते हैं, 21 हो जाएगा, और n बराबर 21/3 यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 50 है, वर्गांतर व्यंजक 4x 64x^4 -81y^4 के गुणनखंड करें। तो देखिए 64 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 8 का स्क्वायर, और चाहे तो कितना लिख सकते हैं, 4 का 4 चौक 16 16 चौक 64, 4 का क्यूब लिख सकते हैं, तो क्यूब तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर ही लिखेंगे हम, तो इसको लिख देंगे 8x 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 8x² का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 8x² का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर और x² का स्क्वायर यानी कि x^4, तो ये आ जाएगा 64x^4। तो 64x^4 को लिख सकते हैं 8x² का होल स्क्वायर, और माइनस 81 को लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 81 को लिख सकते हैं, y^4 है तो y² का होल स्क्वायर यानी कि 9y² का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² का, जो होता है एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में a-b। यहाँ पे a की जगह देखिए कितना है, 8x² तो ये हो जाएगा 8x² और b की जगह है 9y², तो +9y² और दूसरे ब्रैकेट में 8x² - 9y², तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 51, द्विघातीय त्रिपद व्यंजक x² - 24x - 25 के गुणनखंड करें। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, गुणनखंड बिल्कुल आसान है आपके लिए, यहाँ पे करना x² - 24x - 25। अब गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ax² + bx + c, इसी से कंपेयर करते हैं, a का मान है 1, b का मान है -24, c का मान है -25। तो देखिए जो b का मान होता है उसी के मान से हमको ac निकालना होता है, ac आ रहा है -25 a इंटू सी, 1 × -25 तो मान होगा -25, और b जो है हमारा वह है -24, तो -24 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पे -25 आए और जोड़ने पे -24। तो देखिए -25 और 1 में अगर बांट देते हैं तो जोड़ेंगे तो -24 आएगा, गुणा करेंगे तो -25 आएगा। तो इसीलिए अब जहां पे -24x लिखा है वहां पे हम लोग लिखेंगे x² - 25x - x और -25। अब देखिए यहाँ पे -24x को हम कितना लिख सकते हैं, -25x - x, क्योंकि दोनों जुड़ेंगे तो मान 24x ही हो जाएगा। अब ये -25 और 1, यहीं से हमको पता चला कि 24 जो है -24, इसको हम लोग -25 और धन 1 भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या होगा कि हम गुणनखंड कर पाएंगे। तो देखिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -25, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो धन 1 कॉमन ले लेंगे, x - 25। अब देखिए दोनों जगह x - 25 है तो दोनों जगह से x - 25 कॉमन ले लीजिए, और बचेगा क्या, यहाँ पे बचा है x और यहाँ पे +1, तो दूसरे ब्रैकेट में x+1, यही गुणनखंड हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x - 25, दूसरे ब्रैकेट में x+1। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 52, x² - 8x + 15 को पूर्ण वर्ग बना करके
गुणन खंड कीजिए। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब कि होल स्क्वायर के रूप में बनाना है। देखिए इसमें कितने पद हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15, इसमें तीन पद हैं, एक्स स्क्वायर धन 4x धन 15। इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में भी तीन पद होते हैं और ये बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही यहाँ पे आपको करना है, इन तीन पदों को कैसे इस होल स्क्वायर के रूप में ला सकते हैं ये आपको देखना है। देखिए हमें जो दिया गया है पद वो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 दिया गया है। अब इसी को हमको किस रूप में, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है और यही आगे चल के इसको हम बराबर लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसी रूप में पहले पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना है। तो देखिए इसको एक्स स्क्वायर अब लिख दीजिए माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 15। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x का स्क्वायर है यानी कि a का स्क्वायर है और माइनस 2 इंटू बी हमारे पास नहीं है 4, तो 15 है, 4 का वर्ग हमारे पास होना चाहिए यानी कि 16 हमारे पास होना चाहिए जबकि है हमारे पास 15। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं। ठीक है, एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक जोड़ेंगे तो 15 में एक जुड़ जाएगा 16 हो जाएगा और माइनस 1 लिख लीजिए। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स धन 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 1, और माइनस 1 है, माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर भी लगा सकते हैं क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये हो गया हमारा अब टोटल एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो वही फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लगा है, एक्स माइनस 4 प्लस 1 और एक्स माइनस 4 माइनस 1, ए की जगह है एक्स माइनस 4 और बी की जगह है 1, ए की जगह एक्स माइनस 4 प्लस 1 और बी की जगह है 1, तो प्लस 1 हो जाएगा और एक्स माइनस 4 माइनस 1। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये देखिए एक्स माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे एक्स माइनस 5, तो यही गुणनखंड आ जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5। तो ये पूर्ण वर्ग बना करके इस तरीके से हमने गुणनखंड कर लिया। ठीक, तो ये एक तरीका है ये भी गुणनखंड बना के करने का, पूर्ण वर्ग बना करके करने का। जब जहां पे लिखा रहेगा वहां पे आपको पूर्ण वर्ग बना करके ही करना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मली इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं हम लोग माइनस 5x माइनस 3x में, तो गुणनखंड इसका आसानी से हो जाता। माइनस 8x को माइनस 5x माइनस 3x लिख देते, गुणनखंड हो जाता। अब इस तरीके से उम्मीद है कि यहाँ तक के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर कमेंट करके बताइएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। ठीक, और सभी विषयों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं या चैनल पे सीधे चले जाइए। सभी प्लेलिस्ट लगे हुए हैं सभी सेमेस्टर्स के, उनको देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना तो उस ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लिए, ऐप पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जिससे आप कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। कहीं कोई डाउट हो तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे पूछ सकते हैं, सभी PDF आपको ऐप में ही मिलेंगी, चाहे हैंड रिटन नोट्स का हो, चाहे वह राजन पॉन सीरीज का हो या टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप में मिलेंगी। बिना कोई डिस्टरबेंस के आप ऐप में पढ़ाई कर सकते हैं, तो ऐप के माध्यम से पढ़ाई करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।